नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बेटी से मिलेंगे जिसका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में फाइनल हो चुका है। तो उससे उसके संघर्ष की पूरी कहानी सुनेंगे, कैसे उसने तैयारी किया, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते समय, इसके अलावा क्या उसने स्कोर किया है रिटन एग्जाम में, फिजिकल में, और किस तरह से सिलेक्शन फाइनल लिया है। तो ये सारी चीज़ हम उसी से जानते हैं। नाम है आशा और ऑल राजस्थान में रैंक रही है 138। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम आशा चौधरी है और राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा में मैंने 138वीं रैंक प्राप्त की है। मैं तुमिब्रा गांव से बिलोंग करती हूँ और अभी वर्तमान में मैं पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, उसमें तीन चरण होते हैं जो सभी को ज्ञात होगा। प्रारंभिक लिखित होता है, देन उसके बाद में फिजिकल होता है और तीसरा चरण इंटरव्यू होता है, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने रिटन की तैयारी स्टार्ट की थी प्रथम पेपर की, तो उसमें सिलेक्टेड बुक्स थी मेरे पास, जो आगे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी बुक्स है। उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की थी, किसी कोचिंग संस्थान की मदद नहीं ली थी अपने रिटन एग्जाम में। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की थी मैंने। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगी कि रिटर्न में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया और मेरे लगभग 312 नंबर थे रिटर्न में। और इसके बाद में रिटर्न मेरा अच्छा हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा था कि फिजिकल मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, फिजिकल में मेरी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल जैसे देख रहे थे, तो उस टाइम पे बेस्ट जो भी फिजिकल एकेडमी है वो डाला था, तो उसमें रिम एकेडमी का नाम प्रथम दृष्टया मेरे सामने आया और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ रिम में जाना है। तो उस टाइम पे रिम ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट डे से काफ़ी अच्छा लगा। सर ने शुरुआत में जब हमें फिजिकल की तैयारी करवाई, तो सर ने ऐसे नहीं कहा कि तुम आज से ही दस राउंड काट लो, आज से तुम गोला फेंकने लग जाओ। जब प्रथम बार आए थे तो हमें गोले से दूर खड़ा कर दिया था कि तुम्हें गोला नहीं फेंकना है, क्योंकि सर को पता था कि अभी आए हैं बच्चे, बॉडी प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। तो वो बोले कि 14-15 दिन तुम्हें गोला बिल्कुल देखना है, कैसे क्या करना है। एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था सर ने, और उसी के बदौलत हमारी काफ़ी अच्छी बॉडी बन गई थी उस टाइम पे। और जब शुरू में हम एक दो पुशअप भी नहीं लगा पाते थे, तो जब हम लास्ट वहाँ से गए थे रिम डिफेंस अकेडमी से, तो 20-25 पुशअप आराम से, एब्डोमिनल हमारे 250 तक चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और शुरू में हमारे से 4-5 एब्डोमिनल नहीं लगते थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सर का काफ़ी योगदान रहा। एक तरह से जो मानसिक जो तैयारी थी हमारी, फिजिकल का जो एक फोबिया था, वो कहीं ना कहीं रिम डिफेंस एकेडमी ने हमारा दूर किया है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर आप नहीं होते तो शायद फिजिकल का जो हमारा मानसिक जो फोबिया था वो अभी भी बना ही रहता, लेकिन अब डर नहीं लगता है उस टाइम पे। और एक और सर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरे तीनों वहाँ पे पूरे हो गए थे, मतलब 100 में से 100 नंबर थे फिजिकल में। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इंद्रराज सर का भी मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी जो गोला फेंकने की जो टेक्निक थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही, और सारी रिम डिफेंस एकेडमी जो टीम है उन्होंने वो है काफ़ी, उसका मैं थैंकफुल हूँ हृदय से। उसके बाद में मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में क्योंकि मेरे को इतना वो था, टाइम नहीं था, जो भी मतलब ज्वाइनिंग आ गई थी पटवारी की, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं सर से मिलके गई थी। जब मैंने फिजिकल पास कर किया तो सर ने मुझे मोटा मोटी बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे होता है, डे वगैरह तैयार कर लेना, ये होता है। और मेरे जो टीचर्स थे वो भी मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहे थे, और उनकी बदौलत भी और सर की बदौलत भी मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब इंटरव्यू में मुझे बिल्कुल फोबिया नहीं था। मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मतलब फर्स्ट बार ही ऐसे मॉक दिया था, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मुझे पता था कि हाँ इंटरव्यू में कर लूँगी अच्छे से। और बाकी लगातार मैं मेरे जो हमारा सर्कल था उसके संपर्क में रही, सर के संपर्क में रही, मेरे टीचर्स के संपर्क में रही, और उनके बदौलत मैंने इंटरव्यू का जो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन करके आई। संगीता मैम का मेरा बोर्ड था और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आता उनका, तो लगभग ऐसे लग रहा था कि फाइनल अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली मैं बताना चाहती हूँ कि सर की वजह से मेरे रिटर्न में अच्छे नंबर थे, और सर की वजह से फिजिकल पास हो गया था, और इंटरव्यू में भी मुझे लगता है अच्छे नंबर दिए होंगे मैम ने। तो लगभग मेरी अभी वर्तमान समय में काफ़ी अच्छी रैंक आई है। और सर दूदू नया जिला बनाया, तो उसमें भी मैं प्रथम महिला SI बनी हूँ। वहाँ से पहली बार ऐसा मुझे सौभाग्य मिला है कि वहाँ से दूदू नया जिला ही बनाया और पहली बार मैं SI बनी हूँ। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि केवल सफलता पाना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है,
जो सफलता हमने प्राप्त की है, जो हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, उस सफलता को प्राप्त करना और आगे उसको निरंतर रखना और अपना सर उच्च उसके आगे और जाना सबसे महत्वपूर्ण चीज सर वो है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहीं तक ना रुके, आगे भी हमारे गुरुजनों का, हमारे संस्थाओं का, हमारे माता पिता, हमारे गाँव, समाज, सभी का नाम रोशन करें और आगे फिर से मिलने का मौका मिले सर हमें। बेटा 1000 ASI बेटियों के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। हाँ। तो उसके लिए क्या चीज बताना चाहेगी कि वो किन चीजों का ध्यान रखे बेटियां, जो ASI बने या फिर सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें वो अपनी जगह बना सके, तो उनको क्या संदेश रिटर्न एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए देना चाहेगी? सर मेरा मैं ये मानना है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है तो वो कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकता है, बाकी अगर बच्चे का पूरा बेसिक क्लियर है तो मुझे नहीं लगता टेस्ट सीरीज से वो निकाल सकता आराम से। और अगर आपको फिजिकल में मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी, काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा। सर मैं कहना चाहती हूँ कि रिटर्न अगर कर रहा है तो बच्चा सबसे पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसका सिलेबस निकालो और सब सिलेबस जैसे आपके पास है तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक्स लेके आओ, भाई इस पार्ट की ये बुक है, इस पार्ट की एक बुक कभी नहीं लानी चाहिए सर, तो आप अलग अलग पार्ट्स की बुक्स लेके आओ और उनकी सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चीज़ें हमें याद कर लेते हैं, हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो टॉपिक जैसे अपन ने चौहान वंश पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ निकालना चाहिए, तो वो एकदम मानसिक रूप से अपना तैयार हो जाता है। और इसके बाद में सर टेस्ट लगातार देने चाहिए और अपना मानसिक स्तर लगातार सुधरता रहता है, चीज़ें डाउन करनी चाहिए अपने। जो इतनी अच्छी रैंक है बेटा आपकी, 138 रैंक है पूरे राजस्थान में, और बेटियों में कौन सी रैंक है? गर्ल्स में, गर्ल्स में 12वीं रैंक है पूरे राजस्थान में, यानी कि टॉप रैंक आई है। हाँ। तो स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा है कि कितने मार्क्स हैं, नंबर कितने कितने, हिंदी वाले पेपर में कितने नंबर है आपके, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है हिंदी वाले पेपर में, और दूसरे पेपर में लगभग कितने क्वेश्चन सही है? अभी वैसे मार्क्स पता नहीं चले हैं, अभी नहीं बताया RPSC ने, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके मार्क्स बाद में आएंगे, लेकिन एक अंदाजा जो स्टूडेंट लगा के रखता है कि मेरे इतने हिंदी में कितने क्वेश्चन आपके सही थे? सर हिंदी में 100 क्वेश्चन आते थे। हाँ। तो मैंने 96 अटेम्प्ट किए थे, चार छोड़ दिए थे मैंने, और उसमें 96 में से मेरे 89 सही थे सर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्कोर है हिंदी में, 89 क्वेश्चन करना 100 में से कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रैक्टिस की है। सर मुझे लगता है सिलेक्शन का जो आधार है वो SI में हिंदी है। बहुत बढ़िया, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और दूसरा पेपर था उसमें? दूसरा पेपर था सर उसमें मैंने 77 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें लगभग मेरे 124 नंबर है और हिंदी में 174 नंबर थे। 124 है सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 174 थे और लगभग मतलब उसमें मेरे वो गए थे 298 नंबर हो गए थे सर टोटल। 298 नंबर, हां 298 थे, 15 तारीख को पेपर था सर। फिजिकल में पूरे 100 रहे? हां फिजिकल में पूरे 100 थे। तो अगर इससे ज्यादा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, एक एकेडमी का जो नंबर दिख रहा है आपको इस पे आप कॉल भी कर सकते हो अगर और कोई अगर आपका डाउट है तो। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आगे भी आने वाले जीवन में, हमारा अकेडमी का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, ये शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी ऐप।